आग्रह है कि आप तालियां बजाकर इन खिलाड़ियों के हौसले को और बढ़ाएं ताकि ये अपना बेहतर प्रदर्शन और अच्छे से कर सके। यहाँ पर शॉट मारने की कोशिश रांची के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन टाइमिंग सही नहीं होने के कारण उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पाई। इस समय रामगढ़ की टीम 6 रांची 5 6 हो गया। रांची 6 बराबर हो गया, चल बराबर हो गया, बराबर हो गया, 7-2 ध्यान हुआ देना, हुआ नहीं देना ना, तेरा देखबे फिर से डिस्टर्ब हो जाओ, देख ना चल दे रांची मिल गल बात, चल रांची का भाई जाने बहुत ही शानदार ब्लॉक यहाँ पर रांची के खिलाड़ियों के द्वारा। जिस तरह पहले सेट में रामगढ़ की टीम आगे चल रहे थे, लेकिन दूसरे सेट में यहाँ पर पलटवार नजर आते हुए इस समय इस मैच में रांची की टीम आगे चलते हुए इस समय का स्कोर रांची 9 रामगढ़ 8। इच्छा तो बोले जाइए का गलती नहीं है तो वहाँ चल गए तो क्या रांची के खिलाड़ी के द्वारा बॉल पास, रामगढ़ के खिलाड़ी ने चाप मारने की कोशिश की, लेकिन उतने ही अच्छे ढंग से रांची के खिलाड़ी ने ब्लॉक किया। इस समय रामगढ़ 14 रांची 11। रामगढ़ की टीम यहाँ पर रांची के खिलाड़ी डिफेंस करने में नाकाम, इसका फायदा रामगढ़ की टीम को मिला। अरे धूप है यार, इतनी हालत खराब है। बहुत ही शानदार एक बार फिर से चाप रामगढ़ के खिलाड़ी के द्वारा। इस समय रामगढ़ बहुत ही ज्यादा लीड के साथ आगे जाते हुए इस मैच में 7 अंकों की लीड लेकर रामगढ़ इस समय 18 अंकों के साथ है, वहीं रांची की टीम 11। गुस्सा ही दे रहे हमें।
बहुत ही शानदार ब्लॉक यहाँ रांची के खिलाड़ी के द्वारा। गेंद पास और चाप का प्रयास, अंततः रांची ने सफलता हासिल की और उन्होंने एक अंक अर्जित किए। मार रे इधर भी है रामगढ़ रांची ने यहाँ पे एक अंक और अर्जित किए। इस समय का स्कोर रांची 14 रामगढ़ 20। बहुत ही शानदार ब्लॉक यहाँ पर रांची के खिलाड़ी के द्वारा। रांची धीरे धीरे फिर से मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए रांची के खिलाड़ी के द्वारा ब्लॉक करने का प्रयास, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दिनेश जी से आग्रह है कि वो यहाँ पर आकर मैच के आगे की कमेंट्री का कार्यभार संभालने का कष्ट करें। गेंद कोर्ट से बाहर, राज्य के खिलाड़ी ने गेंद को वापस कोर्ट में लाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। एक बार सर्विस फिर से रामगढ़ की ओर से। अरे ठीक गलत नहीं आ रहा है, मैं करे उनका यहाँ पर खिलाड़ी बॉल को होल्ड करते हुए गेम तो हो गया बराबर। और इस सेट में एक बहुत से मकसद दी गई है और इस विद्यालय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के सभी शिक्षा सभी संस्था और तकनीक शिक्षा की कमी को आगे बढ़ाने के लिए अटल विद्यालय का निर्माण किया गया है। इस विद्यालय का निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य छुपा हुआ है
की विद्यालय के संस्थापक माननीय श्री बाबूराम महतो जी एक बार इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, और जब ये पता चला कि इंटरव्यूअर के तरफ से 50,000 रुपया आप तो अभी के समय पे बोल सकते हैं कि डोनेशन या फिर जो भी बोले उस हिसाब से माना गया, और पैसे से अभी पैसे से कमी के कारण वो वहाँ पैसा नहीं दे सके और उनका जवाब वहाँ नहीं हो पाया। उसी दिन वो आमंत्रण किए थे कि विद्यालय का निर्माण किया जाए, और इस विद्यालय के माध्यम से गाँव के सभी दबे कुचले लोग या जिनके पास पैसे की कमी है उन लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए। इस विद्यालय का विद्यालय के माध्यम से न सिर्फ हम लोग शिक्षा बल्कि संस्कार तकनीक और खेल के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सभी स्कूलों में शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन तकनीक शिक्षा के कमी के कारण आज जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं बच्चे पिछड़ जा रहे हैं और उन लोगों को जॉब लेने में प्रभाव हो रही है। इस विद्यालय के माध्यम से कक्षा 3 से ही सभी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और उन लोगों को तकनीकी शिक्षा इस रूप से हम लोग खुद प्रयत्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस विद्यालय के सभी मेंबर्स जो कि इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, इसमें माननीय श्री बाबूराम महतो जी एज ए संस्थापक यहाँ पे हैं, संतोष कुमार महतो जी सलाहकार और सचिव के रूप में हैं, और माननीय श्री नंदन महतो जी का भी हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ गाँव के सभी लोगों का सहयोग बना हुआ है, सभी लोग यहाँ आते हैं और अपना विचार देते हैं। इन्हीं सभी से परे हटकर कॉर्पोरेट फील्ड के भी लोग खासे इसमें सम्मिलित हुए हैं और उनका भी सहयोग उनका भी सुझाव आ रहा है। नंदकिशोर महतो जो कि अभी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनका भी सहयोग है। साथ ही साथ पल्लव कुमार यानी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, वो विप्रो टेक्नोलॉजी में डीपीओ के असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग उस विद्यालय को मिल रहा है। इस विद्यालय के संचालन में प्रभु प्रसाऊ जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर विप्रो टेक्नोलॉजी उनका भी सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ इस विद्यालय में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलने कूदने की सुविधा हो इसलिए पल्लव कुमार यानी जो भी आंध्र प्रदेश के हैं सारे स्कूल के बच्चों का किट्स जो भी फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल जो भी सामान वगैरह बच्चों के लिए वो देने के लिए तैयार हुए हैं, और सारा विद्यालय का वॉलीबॉल का या फिर क्रिकेट का या खेल का जितने भी सामान लगेंगे ये पल्लव कुमार यानी जो कि आंध्र प्रदेश से है उनके द्वारा किया जाएगा। तो मैं वो किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं तो उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ वो कार्य को आगे बढ़ाने में हमारे मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये आप सबके लिए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज अटल विद्यालय का उद्घाटन समारोह चल रहा है, इसलिए आज और कल अटल विद्यालय एडमिशन फी के रजिस्ट्रेशन फी माफ कर दिया जाता है। जो भी बच्चों का एडमिशन आज और कल होगा फीस पर रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 2 रुपया है वो माफ करके 1790 रुपया रखा गया है, और अटल विद्यालय की ओर से अनाथ गरीब बच्चों 5 अनाथ गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन और सरकार उन्हें अटल विद्यालय को फ्री एजुकेशन किया जाएगा। आपके बिल्डिंग में अपने बातों को रखा वास्तव में ग्राम क्षेत्रों में जनसंख्या की कमी आज विद्यालय में हमारे साथ
प्रत्येक गांव में है, लेकिन जो माध्यम जिस प्रकार का शिक्षा आज आधुनिक युग में कंप्यूटर के युग में जो कमी है वो आज भी महसूस करते हैं, उसे दूर करने का प्रयास और शुरुआत ये है। हमारे ओर से शुभकामनाएं हैं और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने क्षेत्र में काफी काम किया है, काफी लोगों को जागरूक किया है। यहाँ के बच्चे अच्छे अध्यापक बन जाए, हमारे किसान गरीब मजदूर के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम लोग अव्वल नंबर गोला का मंडल और आईटीआई कॉलेज में मंडल तैयार हो गया। हमें इतना खुशी होगी जब हम यहाँ के बच्चे उस इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़कर निकलेंगे और इस राज्य का और देश का गौरव को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा यह देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो बुनियाद जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस समय उनका